कैसे हैं आप? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। और साथ ही मैं आपका स्वागत करता हूं हमारे विंटेज यूट्यूब चैनल विंटेज ऑडियो हब और एनालॉग ऑडियो हब। मैं आपके लिए बहुत ही सरप्राइज लेके आया हूं। सरप्राइज मतलब एक यामाहा का खूबसूरत विंटेज रिसीवर। आप देख रहे हैं यामाहा का CR700 रिसीवर। दोस्तों ये देखिए इसकी खूबसूरत लाइट है जो इस एम्पलीफायर की छटा को खूबसूरत बनाती है और एक हमारे संगीत प्रेमियों के दिलों में राज करती है। ऐसी ही इसकी लुकिंग है और ऐसी ही इसकी आवाज है। तो आइए आज हम विस्तार से जानेंगे इस रिसीवर के बारे में। तो चलिए बताते हैं आपको इस खूबसूरत रिसीवर के बारे में। तो आगे के स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपको मिलता है पावर का बटन। मैंने पावर ऑन कर दी और ये खूबसूरत ग्रीन लाइट और रेड जो इसकी नीडल है उसका कॉम्बिनेशन बड़ा खूबसूरत। तो ये पावर ऑन ऑफ है दोस्तों। और ये टेप मॉनिटर है। सोर्स के बाद टेप के फंक्शन में ये टेप मॉनिटर आता है। उसके बाद आपको सोर्सेस में एनालॉग सोर्सेस में दोस्तों मिलते हैं ऑक्स फोनो जो आपके टर्न टेबल को बजाएगा और ये FM म्यूटिंग। दोस्तों FM म्यूटिंग अगर आप दबाएंगे तो FM जो अभी सेलेक्टेड है उसकी आवाज बंद हो जाएगी और ये को मिलता है AM यानी मीडियम वेव। मीडियम वेव और FM रेडियो स्टेशन के साथ में एक पावरफुल एम्पलीफायर तभी तो ये एक खूबसूरत और बड़ा रिसीवर बनता है। उसके बाद आपको मिलता है माइक के आपको इनपुट नीचे मिलेंगे। ये देखिए ये माइक का इनपुट और ये दोस्तों ये माइक के लेफ्ट राइट इनपुट और इसकी सिलेक्शन और ये दोस्तों हेडफोन्स के लिए फोन्स और ये स्पीकर AB सिलेक्शन। मैंने दोनों आप दोनों साथ भी बजा सकते हैं और अलग अलग भी बजा सकते हैं। उसके बाद ये खूबसूरत देखिए यामाहा की ब्रांडिंग यामाहा नेचुरल साउंड सिस्टम मॉडल CR700। तो ये इसके बाद आपको मिलता है मोड। दोस्तों मोड में आपको स्टीरियो रिवर्स लेफ्ट लेफ्ट राइट ऑप्शन मिलता है। मोड है जो एक दोनों गाने में आपको खूबसूरत सुनाने में काफी मददगार साबित होता है। उसके बाद बास है, बास अप डाउन लो फ्रीक्वेंसी। उसके बाद ट्रबल है दोस्तों हाई फ्रीक्वेंसी। उसके बाद बैलेंस लेफ्ट और राइट। उसके बाद ये वॉल्यूम है दोस्तों, ये वॉल्यूम मैंने अप डाउन की। उसके बाद लाउडनेस जो आपकी हाई और लो फ्रीक्वेंसी दोनों को बढ़ाएगा और ये दोस्तों फिल्टर है जो आपके टर्न टेबल की क्रैक को कम करने के काम आते हैं और ये ट्यूनिंग है। मैं ट्यूनिंग करके आपको बताता हूँ। देखिए ये रेडियो की ट्यूनिंग है। इसी तरीके से आप AM/FM को सेलेक्ट करके इस रेडियो स्टेशन को ट्यून कर सकते हैं। मैं आपको इसके जो अभी संगीत सुनाऊंगा, इसमें रेडियो तो मैंने आपको सुना दिया लेकिन अब आप इसमें बजाए CD के माध्यम से बजाए गए सॉन्ग्स को आप सुनेंगे और आप अंदाजा लगाएंगे कि इसकी आवाज खूबसूरत है। तो साथ ही में दोस्तों एक बहुत पावरफुल स्पीकर्स को प्ले कर रहा है जो JBL की L सीरीज है L166। उसको भी ये बहुत खूबसूरत तरीके से बजा रहा है। आप जब पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको स्पीकर भी आजू बाजू में रखे दिखाई दे जाएंगे। तो ये ABL के L166 को प्ले कर रहा है जो एक बहुत बड़ी बात है कि ये काफी बड़े स्पीकर होते हैं और उसको एक साधारण एम्पलीफायर प्ले नहीं कर पाएगा और ये बहुत ही खूबसूरत पावर के साथ में इनको प्ले कर रहा है। तो अब इसका पीछे का स्ट्रक्चर देखते हैं, बाकी आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये आगे का स्ट्रक्चर देखने के बाद इसके पीछे के स्ट्रक्चर को देखते हैं दोस्तों। ये इसका पीछे का स्ट्रक्चर है दोस्तों। सबसे पहले आपको ग्राउंड मिलता है जो आपको फोनो से और बाकी किसी सोर्स जो कि अर्थ चाहता है तो आप इस एम्पलीफायर को इस रिसीवर को अर्थ कर सकते हैं। उसके तुरंत बाद आपको फोनो मिलता है, फोनो लेफ्ट राइट, ये एनालॉग इनपुट्स है दोस्तों। उसके बाद आपको ऑक्स मिलेगा, ऑक्स के बाद ये टेप का प्लेबैक और ये टेप का आउट और ये 5-pin DIN जो प्ले इन और आउट दोनों को सपोर्ट करता है। उसके बाद दोस्तों ये देखिए प्री आउट और मेंस इन। दोस्तों ये प्री पावर आउट के साथ आपको रिसीवर मिलता है और प्री पावर एक बहुत पावरफुल
और एक बड़े एम्पलीफायर या रिसीवर में ही आपको मिलेगा। पावर को चलाना है तो ये प्री भी बन जाएगा, आपको बटन को नीचे करना पड़ेगा तो ये सेपरेट हो जाएंगे और आप अपने बाकी चाहे पावर हो चाहे प्री हो आप अलग से भी बजा सकते हैं। ये स्पीकर ए बी का सिलेक्शन है दोस्तों, ये मीडियम वेव का एंटीना है और ये यामाहा की ब्रांडिंग है जो आपको बहुत अच्छी से दिखाई दे रही होगी। अभी मैंने ए पे एक स्पीकर्स को कनेक्ट कर रखा है और ये दोस्तों एफएम का एंटीना है जो बहुत छोटी सी तार से भी ये बहुत खूबसूरत बजता है। और ये एसी सॉकेट्स है जो आपको अदर के लिए आपको अलग से बोर्ड तक जाना नहीं पड़ेगा। और ये एफएम और एएम के एंटीना है, ये मीडियम वेव का इंटरनल एंटीना है, ये अलग से आपको के लिए अलग से कनेक्शन दिया गया है। तो ये पीछे का इसका खूबसूरत कंडीशन आप देख पा रहे हैं। उसके बाद अब हम कुछ संगीत का मजा लेंगे और फिर वीडियो को विराम देंगे। रिसीवर आपको क्या करता हूँ, आपको बहुत पसंद आया होगा। खरीदने के लिए आप हमसे हमारे दिए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। और दोस्तों मुहिम हर संगीत प्रेमी तक पहुँचने की है, आपका प्रयास और आपका आशीर्वाद मिल रहा है और ये जो सहयोग है इसे और बढ़ाएं। तो वीडियो पूरा देखा करें और देखने के बाद लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें, बेल आइकॉन को दबाना ना भूलें दोस्तों, ताकि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन समय पे मिलते रहे। तो अब वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नई आशाओं के साथ, नए विंटेज स्टफ के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत।